सिरपुर काकस नगर लो यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार में पाल्गोन्नारु दानिकि संबंधिंचिन ब्रेकिंग न्यूस चूस्तुन्नाम నిల్లు నిధలు నియామకాలను కేసీఆర్ పక్కన పెట్టారని సంపన్న రాష్ట్రాన్ని దివాలా తీయించారని ఆయన కామెంట్ చేశారు. బీఆర్ఎస్ అంటే అవినీతి బంధువుల సమితి అని యువతను బీఆర్ఎస్ మోసం చేస్తుంది అంటూ కూడా ఆయన కామెంట్ చేశారు. సంపన్న రాష్ట్రం అప్పుల కుప్పగా మారిందని 2017కు ముందు యూపీలోనూ ఇలాంటి పరిస్థితి ఉండేదని ఆయన అన్నారు. నెలల తరబడి కర్ఫ్యూ ఉండేదని గడిచిన 6 నెలల్లో యూపీలో ఎక్కడా ఘర్షణలు లేవని యోగి స్పష్టం చేశారు. जिला इंचार्ज श्री अरुमाला पोचाम, जिला चुनाव इंचार्ज श्री संजीव रेड्डी, विधानसभा चौर इंचार्ज श्री कृति कुमार खगड़िया, श्री संतोष कटिवार, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में सिरपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के उपस्थित सभी तेलंगाना के मेरे भाई और बहनों, नमस्कार तेलंगाना। श्री रामोजी नगरी अयोध्या उत्तर प्रदेश मुंडी तेलंगाना సోదరి సోదరులకు సాదర వందనాలు. సోదర సోదరి మనులారా అందరికీ నమస్కారం. భయో బెను శ్రీరామ్ కీ నగరీ अयोध्या उत्तर प्रदेश से आकर के आप सभी तेलंगाना के भाइयों और बहनों से मिलकर के मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई है। श्री कालेश्वरम, श्री सैलम, श्री कक्षरामम के रूप में त्रैलिंग के आशीर्वाद से विसर्जित तेलंगाना की इस पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। भैया बहनों, तेलंगाना में आकर के आप सभी से संवाद करना मेरे लिए अत्यंत सुखद है। यहां की संस्कृति, यहां के मेहनत कस किसान नौजवान और उन सब की विनम्रता और सज्जनता हम सब के लिए एक बड़ी प्रेरक ताकत है। लेकिन भाइयों बहनों, हमारे लिए अफसोसजनक है कि तेलंगाना राज्य निर्माण के लिए जिन लोगों के सहयोग से तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ था, आज केसीआर के नेतृत्व में बीआरएस की सरकार यहां की जनता का शोषण का कारण बन चुकी है, यहां की अराजकता का कारण बन चुकी है। एक ऐसा राज्य जो प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा प्राप्त किया है, वहां अपनी पहचान और अपने अधिकारों के लिए तरस रहा है। भाइयों बहनों, तुष्टीकरण की राजनीति का सबसे गंदा खेल आज तेलंगाना में देखा जा सकता है। समाज को बांटने के लिए कोई सरकार किस हद तक जा सकती है, यह हमने यहां देखा है। जब तेलंगाना की बीआरएस सरकार के द्वारा मुस्लिम आरक्षण की घोषणा की जाती है, भाइयों बहनों, ये मुस्लिम आरक्षण हमारे दलित बंधुओं को, वंचितों को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी एसटी
इन सभी कैटेगरी को, पिछड़ी जाति के लोगों को उनके हकों से वंचित करने की साजिश का हिस्सा है। भैया बहनों, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा अपनाए गए संविधान का भी अपमान है, और इसीलिए आज मैं आपके पास आया आपसे विशेष अपील करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट तेलंगाना में लेकर के आप आएंगे, ये मुस्लिम आरक्षण समाप्त तो होगा, और ये आरक्षण का लाभ यहाँ के एससी एसटी ओबीसी और यहाँ के गरीबों को प्राप्त तो होगा।